Chala, I'd like to have your reactions on this, on this principle, that the world rewards you in direct proportion of the value you create for the world. इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? हाँ, माइक दीजिए. प्रोपोर्शनल वैल्यू ये कि दुनिया में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं. जैसे कि आपने इतनी वैल्यू क्रिएट की, अब प्योरली बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में मैं आंसर कर रहा हूँ. सो इफ देर आर एनी हाउसवाइफ्स एंड होम मेकर्स, तो प्लीज एक्सक्यूज मी, बट बिजनेस का एग्जाम्पल या नजरिए से आंसर कर रहा हूँ. ओके, सो सपोज आपने इतनी वैल्यू क्रिएट की, लेट अस से उसको हम कहें 1000. ठीक है, 1000 में से ज्यादा किसको मिलनी चाहिए? फर्स्ट लेवल कस्टमर को. अगर 1000 आपने रख ली तो उसको क्या मिला? जीरो. तो वो आपके पास आएगा वापस? क्या आपके कस्टमर्स रिपीटेडली आपके पास आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो उनकी नजरों में आपने जो कुछ भी उनको दिया वैल्यू के तौर पे क्या था? हाँ, फॉर द एग्जाम्पल के सेविंग्स है कस्टमर को, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन्स है, हमारे से नेक्स्ट जो वैल्यू क्रिएट करते हैं हम लोग, या हम लोग बैक साइड की भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें सप्लायर है. राइट, ओके. आप फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस पे मेरे साथ रहिए, मैं आपको वैल्यू के अलग अलग लेयर समझाता हूँ बिजनेस के जरिए. ठीक है, तो 1000 अगर वैल्यू क्रिएट की है तो ज्यादा से ज्यादा किसको मिलनी चाहिए? ताकि वो आपके यहाँ बार बार आए या नए कस्टमर्स अट्रैक्ट होके आपके पास आए. यहां तक समझ में आती है बात? ठीक है, उसके बाद उस वैल्यू से थोड़ा बहुत फायदा नेक्स्ट लेवल किसको होना चाहिए? आपकी इंडस्ट्री को फायदा होना चाहिए, पूरी इंडस्ट्री को. सो फॉर एग्जांपल जैसे विप्रो, इंफोसिस, ये सब ऐसी कंपनियां हैं, ये जब ग्रो होती गई तो न सिर्फ इनको खुद को फायदा हुआ बट पूरी इंडस्ट्री को फायदा हुआ कंपनी के होने की वजह से. यस और नो? पूरी इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऊपर आई इनकी वजह से. करेक्ट है? सो सर्टन पोर्शन ऑफ द वैल्यू इज शेयर्ड बाय द इंडस्ट्री, सर्टन पोर्शन ऑफ द वैल्यू इज शेयर्ड बाय द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, टैक्सेस, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह. वो 1000 में से ही जा रहा है. करेक्ट, सर्टन पोर्शन ऑफ द वैल्यू इज रिटेन्ड बाय द कंट्री, अगेन टैक्सेस और ये वो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज के लिए, एंड सर्टन पोर्शन ऑफ द वैल्यू इज शेयर्ड बाय द वर्ल्ड. सो अगर आप वैल्यू क्रिएशन के प्रोसेस में हैं, सर्जन कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि इतने अलग अलग लेवल हैं, आपकी कंपनी इनमें से कौन से लेवल्स को वैल्यू दे रही है. जितना आप एक एक लेयर आगे जाते जाएंगे उतना प्रोपोर्शन ऑफ रिवॉर्ड, परसेंटेज ऑफ रिवॉर्ड बढ़ता जाएगा आपके लिए. सो जब तक आप सिर्फ कस्टमर्स का ही फायदा करा रहे हैं, आपकी वजह से इंडस्ट्री का कोई इंपैक्ट ही नहीं होता, इंडस्ट्री को आप इंपैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं. ओके, तो आपका रिवॉर्ड फिर भी एक सर्टन परसेंटेज होगा या प्रोपोर्शन होगा. और जैसे ही आपकी कंपनी ऐसी पोजीशन में आई है कि नाउ इट इज इंपैक्टिंग द इंडस्ट्री, तो सच कंपनीज विल मेक मोर मनी, विल गेट मोर रिवॉर्ड. नाउ द कंपनी इज इंपैक्टिंग द सोसाइटी वगैरह वगैरह. तो ये लंबी बात है जो हम स्ट्रेटजी सिंप्लीफाइड मास्टर क्लास वर्कशॉप में बहुत डिटेल में करते हैं. इनफैक्ट उसमें पूरा प्रोसेस होता है वैल्यू क्रिएशन एंड डिलीवरी सिस्टम का, जिसमें आपका प्लान बनता है, इमेजिनेशन को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है. जैसे आर्किटेक्ट ने इसका ब्लूप्रिंट बनाया होगा ये रूम का, यस और नो? बनाया होगा कि नहीं? बिल्डर?
बनाया होगा ना, ब्लूप्रिंट बनाया होगा ना. आजकल ब्लूप्रिंट नहीं होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है, ठीक है. बट पहले वो एमोनिया से निकला हुआ ब्लूप्रिंट आता था, इसलिए उसको ब्लू कलर का वो रह जाता था, तो इसलिए ब्लूप्रिंट कहते थे उसको, राइट. तो आपकी इमेजिनेशन को आकार देने के लिए और उसको साकार करने के लिए जो प्रोसेस है, जो प्लान है, स्ट्रेटेजिक प्लान कैसे बनाना और एक्शन प्लान में उसको कैसे कन्वर्ट करना, वो मास्टर क्लास में होता है.